नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं प्रीबोर्ड परीक्षा 2020-21 का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। इसको हल करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, पूरे एक से लेके पूरे जितने भी प्रश्न दिए हैं उसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहिए। देखिए, जी रहा आपका हिंदी विशिष्ट का पेपर, जो आपका विशिष्ट हिंदी है, प्रीबोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें सब्सक्राइब करने में, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना। तो ये रहा आपका हिंदी विशिष्ट का पेपर। देखिए आप पूरे उसका दिया गया है, पूरा पहले रूपरेखा दी गई है, कितने अंक क्या क्या आना है, क्या क्या आना है, कैसे उसको करना है, पूरा उसका विधिवत दिया गया है। तो अपन आंसर लेके चलते हैं। देखिए आप, ये पूरा दिया गया है सॉल्यूशन, उसका अपना आंसर लेके चल रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला जो है, सूरदास के पदों की भाषा कैसी है? ब्रज। लोक संस्कृति का जन्म कब कहाँ होता है? गांवों में होता है। निंदा रस के जो लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। दो पदों के मेल को क्या बोला जाता है? समास। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कौन थे? लाल लाजपत राय। पद की पहचान, कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। पूरा सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का सुश्रुत अर्थ की दृष्टि से भाग 8 का पूरा दिया गया है, नोट कर लें आप। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य सत्य है। तो पहला दो शुरू के सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा आपका सही है, पूरा उत्तर दे सकते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है तो पूरा दिया गया है, वा साइड का आ साइड का आपको लिख लेना है। देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपके एक वाक्य में शुरू होते हैं। तो पहले में मीठी वाणी, दूसरे में मातृक वाणी छंद, व्यक्त संधि, देखिए पूरा दिया गया है। भागनी निमित्ता का मूल क्या था? आपका सार। देखिए चौथा दिया गया, जगन्नाथ में कौन संधि होती है? तीन दो वाक्यों को महा साकेत, तो कोई भी आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहा, कुंजिया कौन थी? पूरा उत्तर दिया गया, नोट कर लीजिए आप। सातवां क्वेश्चन है, कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी थी? मछली के आकार की थी। हिमालय की झीलों की थी, पूरा क्वेश्चन दिया गया। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, अथवा का कर रहे हैं अपन, आसमान किस तरह हो, देखिए आप ये दिया गया, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नौवां क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये नौवां क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन, और देखिए आप ये दिया गया, अथवा 11वां दिया गया, उसका उत्तर मिलेगा आपको इस वीडियो में। देखिए आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, आप जो बताइए कैसा लग रहा आपको वीडियो। देखिए तेजस्वी के बारे में बताया है, चरित्र की विशेषताएं लिखना है, भारतीय महिला का एक बड़ा भाग लिखना है, महाराणा वीर सिंह के गुणों की खंड का महाकाव्य में अंतर लिखना है। क्वेश्चन हो सकता है आप देख लीजिए, लिख लीजिए आप, पूरा आपको नोट कर लीजिए। दीपक के से मानव जीवन की तुलना किस रूप में? देखिए आप अगला क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, देखिए परिवर्तित, तो अपन ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, अथवा सुश्रुत संहिता का पंचायत पूरा दिया गया है। क्वेश्चन 18 देख लीजिए आप, विद्यालय निबंध है आपके, तो आपको लिखना है। ये 19वां क्वेश्चन है, ये आपका छायाबद्ध काव्य की विशेषताएं लिखना है, पूरा दिया, जीवनी आत्मकथा पूरा दिया गया उत्तर, पूरा आप देख लीजिए आप, पूरा उत्तर देखिए आप। रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, ये आपकी उनकी रचनाएं हैं, तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप, पूरा दिया गया है, अपन क्रम से कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन आंसरों को, पूरा देख लीजिए आप, पूरा आपका आंसर पूरे मिलेंगे आपको। देखिए पूरा साहित्यिक परिचय दिया गया है, पूरा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लीजिए आप, पूरा इसका जी आंसर मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 25-26 देखिए आप, पूरा दिया गया है इसका उत्तर। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए जी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, नोट करते चलना है आपको।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देख लीजिए क्वेश्चन, देखें पूरा। हाँ जी, आपका पूरा आवेदन पत्र दिया गया है। जोन भी नाम का है, उस नाम से आपको लिखना है। आप जो कहे, जहाँ कहे वो स्थान नाम आपको डालना पड़ेगा। देखिए आप जी, निबंध दिया गया है विद्यार्थी जीवन। आपको चाहें तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये दिया गया किसी विषय पर रूपरेखा बनाना है, चाहे कंप्यूटर हो, जल संरक्षण हो, पुस्तकालय हो, पुस्तकालय का महत्व, वन संरक्षण, कुछ भी आप लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से आप कर लीजिए। आप देख लीजिए पूरी रूपरेखा वृक्षों के, अपन क्रम से प्रस्तावना लेके हुए लिख रहे हैं। पूरा क्वेश्चन कैसा रहा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना है और कोई बच्चा इससे वंचित ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों।